हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपको अपने अंदर और अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कि अभी फ़िलहाल आप किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हो, किस तरह से आप अभी हो अपनी लाइफ में, और आपको अपने अंदर आगे आने वाले टाइम में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओके, और वो जो चेंजेस होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे, तो उस तरह के कौन से चेंजेस होंगे। तो आपके सामने यहाँ पे तीन कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है हमारे पास थर्ड आई चक्रा, दूसरा कार्ड है हार्ट चक्रा, एंड द थर्ड वन इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो वाले कार्ड देख सकते हो या फिर आप एक से ज़्यादा भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विद कार्ड नंबर वन। हेलो कार्ड नंबर वन, जिन्होंने भी चुना है थर्ड आई चक्रा वाला कार्ड, लेट्स सी कि आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ओके, सबसे पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए है, सोर लाइक एन ईगल टू फाइंड क्लैरिटी, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे आर सीन। तो आपको थोड़ा सा ना अपना नज़रिया और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अभी भी आप काफ़ी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो अपनी लाइफ में, काफ़ी कन्फ्यूजन है, और चीज़ें जिस तरह से आप देख रहे हो ना, उस तरह से चीज़ें हैं नहीं आपकी लाइफ में। काफ़ी डिफरेंट एक तरीका है उन्हें देखने का, बट आप उस तरह से देख नहीं पा रहे हो। तो जैसे ईगल होता है आपको, बिल्कुल वैसे अपनी नज़रिया थोड़ा सा तेज़ और चेंज करने की ज़रूरत है। सी द ब्यूटी एंड द गिफ्ट इन एवरीथिंग, पे अटेंशन टू द मैसेजेस दैट आर गिफ्टेड टू यू इन लाइफ एंड थ्रू योर इमेजिनेशन। तो आपको बहुत ज़रूरत है अपने आसपास साइंस को नोटिस करने की। अगर आपके ड्रीम्स में या फिर आपके आसपास आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं, तो आप ना इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको उस पे ज़रूरत है अटेंशन देने की, कि आपसे आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। डेयर टू ड्रीम एंड क्रिएट अ विजन फॉर योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तो आप अपना रियलिटी खुद क्रिएट करोगे, बट आई गेस आप रियलिटी से भाग रहे हो भी। आपने अपनी अलग दुनिया बना रखी है अपने माइंड में, तो आपको थोड़ा सा ज़रूरत है अटेंशन देने की अपने प्रेजेंट लाइफ के ऊपर और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करने की। बट फर्स्ट यू हैव टू चेंज कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को देखते हो, वो आपको थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। चलिए, अब हम यहाँ पे आपके लिए पहले हम कार्ड्स निकालते हैं कि अभी आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी कैसी है, अभी आप किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हो, एंड देन वी विल टेक आउट कि आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सो चलिए अभी देखते हैं कि वॉट इज़ योर प्रेजेंट पर्सनैलिटी, किस तरह से अभी आप अपनी लाइफ जी रहे हो। कार्ड नंबर वन जिन्होंने भी चूज करा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब हम यहां से निकाल लेते हैं थोड़े से पहले आपके लिए कार्ड्स, और ओके, कार्ड नंबर वन, अगर आपने थर्ड आई चक्रा चूज़ करा है, सो डेफिनेटली आपने कार्ड इसलिए चूज़ किया है बिकॉज़ आप खुद एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है, मे बी आप दूसरों को हील भी करते हो, या अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं हो,
तब भी आपके वर्ड्स, आपकी बातें कुछ ऐसी हैं कि जो लोगों के डायरेक्ट दिल को छूती हैं और उन्हें हील करती हैं। ओके, पर्सनली अभी मुझे आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं कि आपको बहुत बड़े चेंजेस लाने पड़े अपने अंदर, बट यस, अभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो, ठीक है? क्योंकि आपके लिए कार्ड भी आया था क्लैरिटी का, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो अब ना आप वो क्लैरिटी बाहर के लोगों से पूछने की बजाय आप खुद के अंदर जाके देख रहे हो, बिकॉज आपके लिए स्टार कार्ड आया है। सो मे बी आपने रिसेंटली मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करा है, या फिर प्रेयर्स करना शुरू करा है, मैनिफेस्टेशन करना शुरू करा है, बट जब से आपने ये सब चीज़ें शुरू करी हैं, मेडिटेशन और डिवाइन पे बिलीव रखना, ओके, आपको आपकी इंटरनली एक बहुत ही पीस वाली फीलिंग फील हुई है, ठीक है? आई कैन ऑल्सो फील कि आप शायद, आप में से काफ़ी लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है? लवर्स कार्ड आया है, तो आप ये जो पर्सन से आप डील कर रहे हो प्रेजेंटली, ये आपके ट्रू सोलमेट हैं, या फिर आपके सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं अगर आप सिंगल हो तो। तो वहाँ भी कोशिश कर रहे हो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस रहे। बेसिकली मुझे आपकी लाइफ में पर्सनली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं, ठीक है? आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी भी है आपकी, ओके, आप जो काम सोच लेते हो आप वो करके ही रहते हो, आप हार्ड वर्किंग भी हो, ठीक है? डिवाइन मैस्कुलिन, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन साइड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, आप काफ़ी स्ट्रांग माइंडेड हो, स्ट्रांग हेडेड हो, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है आपके अंदर, और आप इंट्यूटिव भी हो, बिकॉज आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और स्टार कार्ड आया है, तो काफ़ी इंट्यूटिव हो, दैट्स व्हाई मैं थर्ड आई चक्रा चूज़ करा है। और यहाँ पे द गार्डन और गार्डनर दोनों ही कार्ड आए हैं, और यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है, सो बिल्कुल आपकी लाइफ में ना आप या तो वो बैलेंस को अचीव कर चुके हो ऑलरेडी अपने अंदर इंटरनली, या फिर आप वो बैलेंस अचीव करना चाह रहे हो और उसके पीछे आप भाग रहे हो कि कैसे आपकी जो एनर्जीज है वो बैलेंस हो सके, ठीक है? आपकी लाइफ बैलेंस में आ सके, आपका रिलेशनशिप बैलेंस में आ सके। सो गार्डन, गार्डनर, लवर्स कार्ड, डिवाइन मैस्कुलिन, बिल्कुल मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आप में से काफ़ी लोग एक ट्रू सोलमेट इन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर अगर आप लव के लिहाज से नहीं देख रहे हो ये रीडिंग, तो आप अपने अंदर वो बैलेंस ला रहे हो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में। सो गाइज, आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी अबंडेंस आते हुए दिख रही है इन द नियर फ्यूचर, अगर आप ऐसे ही जाते रहे तो, ठीक है? मतलब आप जो भी तरीका अपना रहे हो अपनी लाइफ को बैलेंस करने का, वो बिल्कुल सही है, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर वाइज भी आप एकदम सही जा रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, और जिस तरह से भी अपनी हीलिंग कर रहे हो ना आप, द स्टार कार्ड आया है, वो आप एकदम सही कर रहे हो, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कि आपको क्या और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मतलब आप इतना कर रहे हो, मुझे उस हिसाब से आप एक बहुत ही बैलेंस पर्सन लग रहे हो, बट स्टिल हम चेक करते हैं कि आपको और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और डिवाइन तो टोटली आपके साथ है, बिकॉज आपके लिए स्टार कार्ड आया और लवर्स कार्ड में भी एंजल बने हुए हैं ऊपर, तो डिवाइन तो बिल्कुल, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर हमेशा है, कोई ना कोई एंजल ऐसे हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमेशा। लेट्स सी और क्या चेंजेस आपको लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। गाइस, तो आपको ना थोड़ा सा अपने माइंड पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे भी आपके लिए जो मैसेज आया था, इसमें भी था कि क्लैरिटी आपको थोड़ी लाने की ज़रूरत है, ठीक है? बिकॉज आप अटेंशन शायद नहीं दे पा रहे हो, मतलब एंजल्स तो हैं आपके साथ, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर भी शायद आप मतलब उस तरह ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपका जो ध्यान है ना वो उन चीज़ों पे है, जो चीज़ें आपके पास नहीं है, चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, ठीक है? थोड़ा सा ना आपको अपने डर पे काबू करने की ज़रूरत है, ठीक है? एट ऑफ सोर्ड्स, कोई डर है, कोई चीज़ है जिसने आपको होल्ड कर रखा है, कोई ग्रजेस हैं,
या कहीं ना कहीं आपका माइंड ही आपका दुश्मन बना हुआ है, तो आपको ना थोड़ा सा उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, वरना आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपके लिए कार्ड्स कितने अच्छे आए थे। और एम्परर, आपको अपनी लाइफ में आपका एम्परर बनना है, ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड भी था, तो आपको ना वर्क करना है अपने डिवाइन मैस्कुलिन साइड पे, बिकॉज यही साइड है जो आपको सक्सेस और विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। सो आपको बहुत ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक एन एम्परर, हार्ड वर्किंग बनने की ज़रूरत है। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको थोड़े से ना कम्युनिकेशंस बढ़ाने की ज़रूरत है लोगों के साथ। अगर आप लोग बहुत कट ऑफ हो गए हो लोगों के साथ, इतना बात नहीं कर रहे हो, सो यू नीड टू इंक्रीज योर कम्युनिकेशन, बिकॉज जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतनी ही शायद भी आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको ना थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप ना बहुत एक अपने जोन में, अपने शेल में ट्रैप हो गए हो, सो गो आउट, हैव फन, ओके। और मैजिशियन, तो आप तो गाइज मैजिशियन हो, आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट करना शुरू करो, ठीक है, गॉड से उस चीज़ को मांगना शुरू करो, बिकॉज यू आर मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपसे आपको और जल्दी मिलेंगी। एंड टू ऑफ सोर्ड्स, तो कन्फ्यूजन्स मत रखो अपनी लाइफ में, बिकॉज आप थोड़े से कन्फ्यूज रहते हो, आपको क्लैरिटी नहीं है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, बट मेन थिंग इज़ आपका जो माइंड है ना, वो आपको एक जगह स्टेबल टिकने नहीं देता है। तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए सबसे पहले आप, ठीक। कन्फ्यूज मत रहिए अपनी लाइफ में बिल्कुल भी, और जो भी चीज़ आपको कन्फ्यूज करती है ना, उसको छोड़ दो, ठीक है। जहाँ भी आप इसे ट्रैप फील करते होगी, या मैं बहुत फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, उसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी मुझे आपकी लाइफ में कोई कोई इशू नहीं दिख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे बैलेंस पर्सनैलिटी है आपकी। चलिए गाइडेंस निकाल लेते हैं एंड में, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। रुकना, भगवान, लेट देम गो। सी, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपको होल्ड बैक कर रही है, जो भी चीज़ों ने आपका दिमाग ख़राब कर रखा है, आपको ट्रैप फील करवा रही है, या प्रेजेंटली आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, लेट देम गो, ठीक है। अभी के लिए छोड़ दो उस चीज़ को और खुद पे फोकस करो, और थोड़ा सा आपको लाइफ में ना प्रैक्टिकल और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। देन वी हैव स्ले देम ऑल। सो आपको ना, आप एक वॉरियर हो, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी भी, बट आप ना सबको, मतलब आप हरा सकते हो, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। बिकॉज आप एम्परर हो, आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है। इवन इफ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस, आप बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको ना वो अपनी स्ट्रांग साइड को बाहर लेके आना, ना कि आपकी वल्नरेबल साइड को। देन इज योर पोटेंशियल इज एंडलेस। आपको ज़रूरत है अपनी पोटेंशियल को पहचानने की, क्योंकि ना आप लाइफ में बहुत आगे तक जाना डिजर्व करते हो। आप एम्परर हो, आप थ्रोन डिजर्व करते हो, आप क्वीन हो, ओके। सो आपके लिए छोटी मोटी चीज़ें नहीं बनी है, आपको लाइफ में आगे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, जो कि मतलब आप खुद यू विल बी लाइक कि यार कितनी लाइफ कितनी अच्छी हो गई, आप इस तरह से सोचोगे, ओके। सो आपको अपने अंदर ये चेंजेस लाने की, थोड़े से आपको कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाना है, वर्क ऑन अ डिवाइन मैस्कुलिन साइड, ओके। रिमेन प्रैक्टिकल, ओके, डोंट बी ट्रैप्ड, ट्रैप मत रहिए किसी भी चीज़ में, अपने आप को फ्री करिए और मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, ओके। सो ये है आपकी रीडिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो गाइज, इन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ करा है, हार्ट चक्रा। लेट्स सी कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। सेल्फ लव इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव स्टार्ट करना पड़ेगा खुद के लिए, ठीक है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, खुद से प्यार करना भूल गए हो, या दूसरों से इतना प्यार करते हो, खुद के लिए बचता ही नहीं है आपके पास कुछ, तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। यू आर यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन। नो दैट यू आर कनेक्टेड टू ऑल दैट इज। लेट लव, पीस एंड ट्रैंक्वालिटी पेनिट्रेट थ्रू योर बींग इन टू द वर्ल्ड, एंड वॉच एज इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक एट यू। यू आर लव। सो द समरी इज़ कि आपको खुद से प्यार करना है, आपको खुद में पहले वो लव और पीस को फाइंड करना है, तभी आप वो दुनिया को दे पाओगे, ओके। सो अपने आप को प्रायोरिटी पहले रखिए, आपके लिए ये मैसेज आया है यहाँ से, तभी आपने हार्ट चक्र कार्ड भी चूज़ करा है, बिकॉज आई फील कि आप शायद खुद से प्यार करना भूल गए हो।
चलिए अभी पहले हम देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ में आप किस तरह की लाइफ जी रहे हो, किस तरह की पर्सनालिटी है आपकी, देन वी विल सी कि आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। सो या किस तरह की पर्सनालिटी है ग्रुप नंबर 2 की, किस तरह की लाइफ जी रहे हैं अभी। टेन ऑफ वॉन्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से हम पहले और कार्ड्स निकाल लेते हैं। Divine Feminine, Sexuality and Dating. ओके गाइज, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपकी पर्सनालिटी डिवाइन फेमिनिन जैसी है, बिकॉज आपके लिए एम्प्रेस कार्ड भी आया है और आपके लिए डिवाइन फेमिनिन कार्ड भी आया है। सो यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनिन। लड़के अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन का मतलब इट्स नॉट लड़की, ओके, इट मीन्स दैट द एनर्जी जो है वो डिवाइन फेमिनिन की ज़्यादा डोमिनेटिंग है आपके अंदर। डिवाइन फेमिनिन मीन्स आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत काइंड हो, हर किसी को लेके बहुत केयर करते हो, बहुत लव करते हो आप सबसे, ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी, ओके। और आप एक मतलब ट्रू केयरिंग पर्सन, जैसे लाइक मॉम्स जो होती है ना, बिल्कुल उस उनके जैसे आपकी पर्सनालिटी है, ओके। लेकिन यहाँ पे वो भी दिखा रहा है कि शायद आप दूसरों की इतनी ओवर केयर करते हो, दूसरों के बारे में आप इतना ज़्यादा आप सोचते हो कि आप खुद के बारे में सोचना भूल जाते हो, और एंड में इट्स लाइक आप अकेले रह जाते हो, ठीक है। आप दुनिया का सारा बोझा जो है वो अपने कंधों पे लेके चलते हो कि उसकी टेंशन भी मेरी है, उसकी टेंशन भी मेरी है, ठीक है, वो कोई फ्रेंड है उसकी टेंशन भी मेरी है, आपका लवर है उसकी टेंशन भी आपकी है। सो आप इतने ओवर बर्डन हो जाते हो ना कि आप खुद का ख्याल रखना भूल जाते हो, ठीक है। आप हो डिवाइन फेमिनिन, आपके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी है वैसी, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। आपकी आपकी लाइफ में मुझे एक पर्सन भी दिख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत लव करते हो, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ सकते हैं, बट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जो बहुत एक लविंग फीलिंग्स हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए, ओके, और आप एक दूसरे को डेट भी कर रहे हो, ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, प्यार है, कनेक्शन है, एवरीथिंग, बट स्टिल मतलब आप इतना ज़्यादा उस चीज़ में अपने आपको इन्वॉल्व कर लेते हो कि आप खुद के बारे में सोचना भूल जाते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ना हर चीज़ आपका ना बहुत बहुत बिलीव है डेस्टिनी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है, लक के ऊपर, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो आपने सब कुछ छोड़ रखा है डिवाइन के ऊपर कि जैसा वो चाहे वैसा होगा आपकी लाइफ में, ओके। ये अच्छी बात है कि आपने सब कुछ छोड़ रखा है डेस्टिनी के ऊपर, बट थोड़ा शायद आपको थोड़ा वर्क करने की भी ज़रूरत है, ओके। मतलब हर चीज़ डेस्टिनी पर छोड़ के आप बैठ जाओ और सोचो कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, राइट। तो आपको थोड़ा सा अपना वर्क करने की भी ज़रूरत है अपने स्किल्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे, इस तरह का भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको काम में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ओके। एंड देन सेक्सुअलिटी, तो लिटरली आपको सेक्सुअलिटी मीन्स एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ, ओके। तो यू नीड टू लव योरसेल्फ, यू नीड टू फील कि हाँ आप कितने अच्छे हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, बिकॉज आपके लिए सेक्सुअलिटी आया है, डिवाइन फेमिनिन आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, सो आप सच में बहुत अच्छे हो। लेकिन ना लोग आपको कुछ भी कह देते हैं तो आप बिलीव करते हो कि आप अच्छे नहीं हो, तो ये क्वालिटी है आपके अंदर। तो काफ़ी इमोशनल हो सकते हो आप, ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, तो आपका भी इमोशनल हो सकते हो, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो या लोगों के ओपिनियंस से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हो आप। सो यू नीड टू फील कि नहीं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और शायद आपको थोड़ा सा ज़रूरत है अपने उस अट्रैक्शन लेवल पे और वर्क करने की, ठीक है, बिकॉज
आप तक या फिर जो ब्यूटी है, आपका जो ऑरा है वो और बाहर निकल के आए, और दूसरों का बोझा अपने सर पे ना लेने की, बिकॉज आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते हो, बट रिटर्न ना आपको नहीं मिलता अपना। ओके, सो उतना ही करिए जितना आप सह सकते हो, या जितना आप आपका पोटेंशियल है उससे ज़्यादा ओवरबर्डन मत करिए खुद को। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में और खुद में। ग्रुप नंबर टू, क्वीन ऑफ सोल्स, एट ऑफ कप्स, हैंगमैन, टावर, जस्टिस, टू ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, आपके जो पहले कार्ड्स आए थे इसकी एकदम ऑपोजिट कार्ड आए हैं। इट मीन्स कि आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। एट ऑफ कप्स में ये पर्सन कप्स छोड़ के दूर जा रहा है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो आप दूसरों में प्यार बांटते फिरते हो ना, मतलब जो डिजर्व करते हैं, जो आपकी फैमिली है, आपका पार्टनर है, दैट इज़ फाइन, बट आप हर किसी के मतलब इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर लेते हो, थोड़ा सा उस वो नेचर से आपको थोड़ा दूर जाइए उस नेचर से, ठीक है? बिकॉज आप ना बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल मुझे दिख रहे हो, बहुत ओवर इमोशनल पर्सनैलिटी है आपकी, तभी आपने हार्ट चक्रा चूज़ करा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह रखिए, वरना लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है? नो बोलना सीखिए लोगों को, अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते तो जस्ट से नो, ओके? और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना सीखिए। आप ना शायद बहुत मक्खन लगा के दूसरों से बात करते हो कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ठीक है, सामने वाला हर्ट ना हो जाए, भले ही आप हर्ट हो रहे हो, बट अपनी बातों को थोड़ा सा क्लियर कट सामने रखना सीखिए लोगों के सामने। जस्ट लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कि वो डरती नहीं किसी से कि कोई क्या सोचेगा क्या कहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत रूड हो, बट एटलीस्ट जो आपके दिल में चल रहा है वो एटलीस्ट एक्सप्रेस तो करो, वरना आप खुद अंदर अंदर इतना बर्डन फील करते रहोगे। और जस्टिस, तो आपको थोड़ा सा जस्टिस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कि कौन लोग आपका टाइम डिजर्व करते हैं, कौन लोग नहीं करते हैं, किसको कितनी वैल्यू दी जानी चाहिए। ओके, सब लोगों को आप सेम तराजू में नहीं तोल सकते, वरना आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे टावर मोमेंट्स आते रहेंगे जहाँ पे आप परेशान होते रहोगे। तो अगर आपको टावर मोमेंट्स को अवॉइड करना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेड बनिए, इंटेलिजेंट बनिए थोड़ा। आप केयरिंग हो, इमोशनल हो, डैट इज़ फाइन, बट यू नीड टू बी इंटेलिजेंट क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह, ठीक है? थोड़ा अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाइए। हैंगमैन इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लो अपनी लाइफ में, रुको, ठीक है? इतना बर्डन फील मत करो अपने आप को, इतना इतना इमोशनली बर्डन फील मत करवाओ, रुको, सोचो कि क्या करना है लाइफ में। ओके, आप एम्प्रेस हो, आप केयरिंग हो, वो बहुत अच्छी बात है, आप केयरिंग रहिए जो लोग आपका डिजर्व करते हैं उनके लिए, बट नॉट फॉर एवरीवन। एंड टू अ वॉन्ट, थोड़े से अपने ड्रीम बड़े रखो, बस आपने ना अपने ड्रीम्स पर लिमिटेड रख रखे हैं, ठीक है? इस पर्सन के हाथ में ये वर्ल्ड है, तो आप वर्ल्ड में कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप ये सोच के जियो, अपने आप को ना लिमिट मत करो किसी के भी बिलीव सिस्टम में। ओके, सो टू अ वॉन्ट्स, आप की लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए दिख रही है, बट थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा दिल को छोड़ के, थोड़ा दिमाग या इंटेलिजेंस आई वुड से वो यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए यहाँ से हम गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है ग्रुप नंबर टू? ओके, लेट देम गो। तो ऐसी हैबिट्स, ऐसा नेचर, ऐसा बिहेवियर, ऐसा कुछ भी ऐसा नेगेटिव क्वालिटी है आपके इमोशनल नेचर की वजह से, जहाँ आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, या बहुत जल्दी रोने लग जाते हो, या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, तो उस नेचर को जस्ट लेट देम गो, उस नेचर को जाने दो। आपको थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आई फील मेक द चेंज। सी, इसके हाथ में भी सोर्ड है एक, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चेंजेस लाइए अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाइए। ये खुद से पूछिए कि क्या कमी है मेरे अंदर,
ठीक है, कि क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो चेंज लाओ वो, बिकॉज चेंज लाना बहुत ज़रूरी हो गया आपके लिए, वरना दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। देन रिलीज योर गिल्ट। तो आपके अंदर एक गिल्ट है कि अगर मैंने ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करा तो ऐसा हो जाएगा। वो उस गिल्ट को छोड़िए, वो सिर्फ आपके माइंड में है, ठीक है, रियल में नहीं है। तो उस गिल्ट को जला दो, ठीक है, और आप कोई ना सोर्स बनो। बस आपका, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट आई फील कि आप उस इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर रहे हो अपने लिए। ओके, सो ये आपको बाय ध्यान रखनी है, बाकी एवरीथिंग इज़ नाइस। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग लेक्चर, सब्सक्राइब, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी सोलर प्लेक्सस चक्रा वाला कार्ड चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। चलिए पहले मैसेज पढ़ते हैं आपके लिए। यू आर फ्री टू बी योर सेल्फ, योर पावर इज़ योर्स टू कीप, नो एक्सक्यूजेज, नो अपॉलोजीज, वैनिश फियर एंड शाइन योर लाइट, यू ऑलवेज हैव बीन, यू ऑलवेज विल बी, यू आर, यू बिलोंग। सो आई थिंक आप अपने आप को भूल चुके हो, ऐसा है, आप हमेशा दूसरों के हिसाब से एक्ट करते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे, उस हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते रहते हो आप। आपका ट्रू सेल्फ जो है वो कहीं खो गया है, तो आपको ना उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने की ज़रूरत है, अपने आप को वापस लाने की ज़रूरत है। यू आर फ्री टू बी योर सेल्फ, सो अपने आप जैसे होना वैसे रहिए, ठीक है, किसी और के हिसाब से चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। वो चेंज अगर अच्छे हैं आपकी लाइफ में, वो चेंजेस अगर अच्छे की तरफ लेके जा रहे हैं आपको, तब इट्स फाइन। बट ज़बरदस्ती सामने वाले को खुश करने के लिए अपने आप को चेंज करना, डैट इज़ नॉट गुड। सो यू नीड टू बी योर सेल्फ, ओके, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ करा है, सोलर प्लेक्सस। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखते हैं कि अभी आप अपनी लाइफ किस तरह से जी रहे हो, किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। ग्रुप नंबर 3 की पर्सनैलिटी कैसी है, किस तरह से वो अपनी लाइफ जी रहे हैं अभी, ग्रुप नंबर 3। टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी पर्सनालिटी अभी यहाँ से हम और निकालते हैं पहले। कमिटमेंट, यिन यांग, द गार्डन। ओके, आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन दिख रहे हो मुझे, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, ठीक है, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो आप। आपको पसंद है कि आप अकेले रहो, अकेले में आप अचीव करो अपनी लाइफ में बहुत कुछ, बट आई ऑल्सो फील कि आपके बहुत लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं दोनों, बिकॉज फाइव ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, आप सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हो लोगों के साथ, और टावर कार्ड भी आया है। सो या बेसिकली यहाँ पे एक मुझे एक ब्रेकअप दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे झगड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो गया, दूसरे लोग ना आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी है, ठीक है। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक बहुत एक क्वीन की तरह एक्ट कर सको, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं आपके लिए, तो आप केयरिंग नर्चरिंग भी हो क्वीन ऑफ कप्स की तरह, ठीक है, आप बहुत प्यार भी करते हो सबसे, आपके दिल में बहुत प्यार है सबके लिए, बहुत रिस्पेक्ट है, और आप बहुत लॉयल पर्सन भी हो, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हो, ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, आप डेयरिंग भी हो, आप करेजस भी हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है, बट कहीं ना कहीं वो खो गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न। एंड यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप में बहुत पोटेंशियल भी है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने दम पे अपनी लाइफ में, ठीक है, और आपको काफ़ी अच्छे से रेडी होना, ड्रेसअप होना, अच्छे तरीके से जीना बहुत पसंद है, तो आप काफ़ी क्लीन पर्सनालिटी हो,
ओके, कमिटमेंट में भी आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अपने सोलमेट के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपके होते रहते हैं बीच बीच में, ये भी दिख रहा है बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप अपनी बात ढंग से सामने वाले के सामने रख नहीं पाते हो, ठीक है, दूसरे आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और डोमिनेट हो भी जाते हो, ठीक है, बिकॉज आप एक बहुत पीस लविंग पर्सनैलिटी हो, आपको ना अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आपको फालतू के लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, बट फिर भी आपका हर जो बातचीत है ना वो लड़ाई झगड़े पे ही एंड होती है मोस्टली। अभी ऐसा हो रहा होगा आपकी लाइफ में आपके साथ, ओके, आप कहना कुछ और चाहते हो, लोग समझते कुछ और हैं, तो आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की। यिन एंड यांग कार्ड इसलिए आया, आपकी जो एनर्जीज है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपका ऑरा जो है वो बैलेंस नहीं है, आप बहुत कमिटेड पर्सन हो, ठीक है, कमिटेड हो, लॉयल हो, जिसके साथ भी हो आप लॉयल रहोगे, बट इश्यूज वहीं आते हैं कि आप कहना कुछ चाहते हो, लोग समझते कुछ और है आपको, ठीक है। सो अपना थोड़ा सा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स वाले साइड को बैलेंस करिए, ऐसा नहीं है बहुत इमोशनल इमोशनल इमोशनल, ऐसा नहीं बनना है आपको, या बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, थोड़ा बैलेंस लाइए अपनी पर्सनैलिटी में, ओके, और स्पेंड करिए टाइम नेचर में, मेडिटेशन करिए, बिकॉज ना ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, जो इतने कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं, इसने आपको मेंटली बहुत परेशान कर रखा है, सो यू नीड टू बी लाइक थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि आपकी इमोशनल हेल्थ अफेक्ट ना हो उस वजह से। और किसी को भी अपने ऊपर डोमिनेट मत करने दीजिए, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ओके, आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको अच्छे से एक्सप्रेस करिए। अब चलिए देखते हैं कि आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, ग्रुप नंबर 3। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ गाइस, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सारे क्वीन्स आ गए हैं आपके लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, लाइफ में आपको करेज और स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा अपने अंदर। अब मुझे लग रहा है कि आप की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, आप डर जाते हो हर बात पे, ठीक है, आप कोई सिचुएशन आती है आप आपको समझ नहीं आता है कि उसको डील कैसे करा जाए, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, स्ट्रांग बनना मेंटली फिजिकली इमोशनली हर तरह से स्ट्रांग बनना, ठीक है। तो चैलेंजेस सबकी लाइफ में रहते हैं और आपको उससे डील कैसे करना है पता होना चाहिए, तो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत सबसे पहले तो, ठीक है। और सारे क्वींस आए हैं आपके लिए, वॉन्ड्स, कप्स, सोर्ड्स, पेंटिकल्स, तो आप हर तरह से अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। जब प्यार करने की बात आएगी तो आप क्वीन ऑफ कप्स हो, जब करियर की बात आएगी तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, इंटेलिजेंट हो आप जस्ट लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखिए, डरिए मत किसी से भी, ओके, एकदम क्लियर कट बात करिए, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, ट्रस्ट करिए अपने इंट्यूशन पे, और अपनी लाइफ को ना एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करिए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नया सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करना, कि किस तरह से अब आप अपने अपने अंदर चेंज लाओ, कि अब जो प्रॉब्लम्स आपके साथ पास्ट में हुई हैं वो फिर से ना हो, वो लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। वहाँ पे आपके लिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया था पहले, टावर कार्ड आया था, बट अब आपके लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे सब लोग खुश हैं, फैमिली खुश है, एवरीवन इज़ हैप्पी, पार्टनर इज़ हैप्पी, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला के ये चीज़ अचीव कर सकते हो, टेन ऑफ पेंटिकल्स वाली, आप सबको खुश रख सकते हो और खुद भी खुश हो सकते हो, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप अगर आपका नेचर है लड़ाई झगड़ा करने का, तो वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करने का, ओके, आपको वो एनर्जी जो आप आर्ग्यूमेंट में वेस्ट करते हो वो आपको खुद के ऊपर लगानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपकी फैमिली को आपके ऊपर प्राउड हो, आपके पार्टनर को आपके ऊपर प्राउड हो,
ठीक है, और टू ऑफ वॉन्ड्स। सो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये पूरी दुनिया आपके हाथों में है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो वाई नॉट अपनी एनर्जी को वहाँ लगाया जाए। और आपके लिए चारों क्वींस आई हैं आपको ब्लेस करने, मतलब चारों क्वींस की पावर है आपके अंदर, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ओके चलिए, अब आपके लिए हम गाइडेंस निकालते हैं। ग्रुप नंबर थ्री के लिए क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर थ्री के लिए? ओके, कार्ड गिरा है यहाँ पे, रेन ड्रॉप्स, लेट टेक अ चांस ऑन देम, टेक अ चांस ऑन देम। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हो किसी चेंज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो, तो आप एक चांस लेके देखिए। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि यार मेरे को अपने अंदर ये चेंज लाने हैं बट क्या मैं लेके आऊँ, तो एक बार ला के तो देखिए, चांस तो लीजिए एक बार। या आप कन्फ्यूज़ हो किसी पार्टनर के लिए, तो एटलीस्ट उसको एक चांस देके देखिए। ठीक है, अपनी लाइफ को एक चांस देके देखिए। सो जस्ट टेक अ चांस, देन कॉन्फिडेंस इट कम्स विद टाइम एंड बेस। सी आई टोल्ड यू, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, और कॉन्फिडेंस आएगा टाइम और प्रैक्टिस के साथ। तो आप कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, टाइम दीजिए अपने आप को, प्रैक्टिस करिएगी। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, कोई भी लोग आपको दबा नहीं सकते। देन थर्ड इज यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। सो यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाते हो, कैसे आप यूनिवर्स को प्राउड करवाते हो। सो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गॉड आपके साथ है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाइए, और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करिए, या आपको चेंजेस लाने हैं अपने अंदर। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।